हेलो एंड वी आर बैक विथ पार्ट 4। ओके, एक मिनट। हाँ जी, स्टार्टिंग नहीं मिल रहा, ये मिल गया मेरा स्टार्टिंग। ओके हाय, सो वी आर बैक विथ पार्ट 4। अब पार्ट 4 में हम क्या अचीव करेंगे कि ये जो लीफ है ना, ये तो हमारी सिंगल वाली लीफ है, वो हमने पूरी फिनिश कर दी है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इस लीफ को हम डिक्रीज करना चालू करेंगे पार्ट 4 में और इसे फिनिश करेंगे, और साथ ही साथ ये जो स्टेम है ना, इसमें से दो लीफ निकलनी और चालू होंगी। सो यस, मैंने ये स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम करेंगे चेन 3, डे 4, पार्ट 4। यहाँ पर आपके पूरे 13 बैक पोस्ट होंगे, तो 13 बैक पोस्ट करके मैं आपको यहाँ मिलती हूँ फटाफट। ओके, तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 13 बैक पोस्ट बना लिए हैं। अब मैं यहाँ करूँगी डिक्रीज चालू। ये देखिए, एक फ्रंट पोस्ट, ये दो मैं ड्रॉप नहीं करूँगी, एंड एक और फ्रंट पोस्ट, और ये हो गया डिक्रीज। ओके, अब मैं नेक्स्ट 6, ये जो फ्रंट पोस्ट है उनमें फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी, और लास्ट दो में करूंगी वापस डिक्रीज। सो सी, सेम हमने जो पहली लीफ बनाई थी बिल्कुल उसी की ही तरह से चले गए हैं। अब ये लास्ट के दो हैं, इनमें मैं करूंगी डिक्रीज, फ्रंट पोस्ट डिक्रीज। ये देखिए, अब ये तीन बैक पोस्ट हैं, इनको एज इट इज रखेंगे। ये हो गए तीन बैक पोस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस जो ये जो नेक्स्ट, ये हो गए तीन बैक पोस्ट। अब इस फ्रंट पोस्ट में हम करेंगे तीन फ्रंट पोस्ट। अब इसे हम धीरे धीरे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ब्रांच आउट करना चालू कर देंगे। फिर ये तीन बैक पोस्ट हैं, इनमें आप तीन बैक पोस्ट रखिए। अब ये लीफ आ गई ना, इसको डिक्रीज करेंगे। ये हो गया इसका डिक्रीज पहला। अब सिक्स फ्रंट पोस्ट, और जो डिक्रीज भी हमने किया था वो फ्रंट पोस्ट डिक्रीज था। अब ये लास्ट के दो हैं, इसमें हम वापस डिक्रीज करेंगे। ये हो गया डिक्रीज। अब ये पूरा एज इट इज, यहाँ पर बीच में आपको पूरा बैक पोस्ट करना है। डिक्रीज, सिक्स फ्रंट पोस्ट, डिक्रीज, तीन बैक पोस्ट और तीन फ्रंट पोस्ट। अब सेंटर में जो स्टेम है, फिर बैक पोस्ट, डिक्रीज, सिक्स फ्रंट पोस्ट, डिक्रीज, एंड लेट्स मीट हियर। ओके, सो मेरी ये रो खत्म हो गई है। स्लिप स्टिच, चेन 3, 13 बैक पोस्ट। ठीक है, इतना करके फिर यहाँ डिक्रीज चालू करते हैं। चलिए, पूरे 13 बैक पोस्ट करके मैं आपको लीफ के पास में मिलती हूँ वापस। ये देखिए, ये हो गए मेरे सारे बैक पोस्ट। एक मिनट, ये मैं और बना लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना है डिक्रीज, ये उसी के साइड वाला, ये हो गया है डिक्रीज। ठीक है, अब चार फ्रंट पोस्ट। ठीक है, ये चार फ्रंट पोस्ट बना के मैं मिलती हूँ आपको। ठीक है, अब चार बनाने के बाद ये करिए आप यहाँ पर डिक्रीज।
योगा डिक्रीज। अब इसके बाद तीन बैक पोस्ट, अब ये बैक पोस्ट के बाद में ये जो फ्रंट पोस्ट है, ये पहले फ्रंट पोस्ट में आप दो फ्रंट पोस्ट बनाइए, ये वन ये टू। तो राइट साइड से लीफ निकलेगी एक न्यू वाली, बीच का सेंटर स्टेम एज इट इज रखिए, फ्रंट पोस्ट वन और यहाँ पर भी लीफ निकलेगी, सो यहाँ पर टू फ्रंट पोस्ट इसमें। अब ये इसके बाद आप करिए तीन बैक पोस्ट। अच्छा, अब इसके बाद ये लीफ आई है वापस, यहां पर करेंगे हम एक डिक्रीज, चार फ्रंट पोस्ट, अब ये कॉर्नर में लीफ का कॉर्नर में वापस हम डिक्रीज करेंगे एक, और ये पूरा रो एज इट इज रिपीट होगा, बैक पोस्ट डिक्रीज, फ्रंट पोस्ट डिक्रीज, तीन बैक पोस्ट, ये पहले वाले फ्रंट पोस्ट में दो फ्रंट पोस्ट, सिंगल फ्रंट पोस्ट, टू फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट डिक्रीज, एंड लेट्स फिनिश दिस रो एंड मीट अगेन। ओके, तो मैंने नेक्स्ट रो में स्लिप स्टिच, चेन थ्री और 13 बैक पोस्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें करना है इस लीफ को डिक्रीज। यस, सिंपल है, डिक्रीज एक दो बार आप कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है। हो गया डिक्रीज, बीच में फ्रंट पोस्ट, आई थिंक हमें दो ही मिलेगी इस बार। यस, और डिक्रीज, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आ रहा है तीन बैक पोस्ट, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। ये रहा तीन बैक पोस्ट। अब तीन बैक पोस्ट के बाद में क्या होने वाला है यहां? ओके, सो इधर पहले वाले फ्रंट पोस्ट में हम करेंगे फ्रंट पोस्ट, चेन वन, फ्रंट पोस्ट सेम जगह पे, ओके। सेकंड में क्या करेंगे, हम करेंगे बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट को हम कन्वर्ट करेंगे बैक पोस्ट में। हाँ, इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, ये सिंगल स्टेम सेंटर वाली फ्रंट पोस्ट। अब जो यहां हुआ है वो यहां रिपीट करेंगे, तो ये पहले वाले में हम करेंगे बैक पोस्ट और नेक्स्ट वाले में हम करेंगे फ्रंट पोस्ट, चेन वन, फ्रंट पोस्ट। अब बाकियों में कहां रहेंगे हम बैक पोस्ट। ये हो गया तीन बैक पोस्ट, एंड अब आई हमारी लीफ, सो हम लीफ में करेंगे डिक्रीज। सो देयर यू आर, ये आई पहली डिक्रीज, फ्रंट पोस्ट, दो फ्रंट पोस्ट मिल जाएंगे हमें, एंड डिक्रीज। अब ये डिक्रीज के बाद आपको पता है एग्जैक्टली पूरा एज इट इज, ये पूरा बैक पोस्ट डिक्रीज,
दो फ्रंट पोस्ट डिक्रीज, तीन बैक पोस्ट। अब यहाँ पहले वाले फ्रंट पोस्ट में आप करेंगे फ्रंट पोस्ट चेन वन फ्रंट पोस्ट, यहाँ करेंगे बैक पोस्ट, सेंटर में करेंगे फ्रंट पोस्ट, फिर करेंगे बैक पोस्ट, फिर करेंगे फ्रंट पोस्ट चेन वन फ्रंट पोस्ट एंड देन यू रिपीट। सिंपल है। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पर ये कंफ्यूजिंग लगे तो आप वीडियो को रोक लीजिए एंड उतने पार्ट को आप फिर से प्ले करके एक बार देख लीजिए। चलिए ये रो खत्म करके हम वापस मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारी लीफ कैसी शेप अप हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट में ये डिक्रीज हो जाएगी। हमें आई थिंक तीन रो और लगेंगी इसको पूरी तरह से समेटने में। ओके, ये देखिए ये रो भी फिनिश हो गई है। मैंने स्लिप स्टिच और चेन थ्री कर ली है। अब क्योंकि ये हमारी लीफ डिसेंड हो रही है और ये जो जॉइनिंग पार्ट है ना, ये भी देखिए शुरू से ही वो 3D की तरह उसके साइड में चलता हुआ आया है, पर अब हमको इसको भी दबाना होगा, नहीं तो वो अलग से अजीब सा दिखेगा। तो आप ये जो नीचे का है ना चेन थ्री और पहला वाला बैक पोस्ट, दोनों को एक साथ बैक पोस्ट बना दीजिए ऐसे, चेन थ्री और फर्स्ट बैक पोस्ट, और अब यहाँ से 13 बैक पोस्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर लीफ। ये हुआ फिनिश। अब यहाँ हम करेंगे डिक्रीज, एंड डिक्रीज फ्रंट पोस्ट डिक्रीज, ठीक है। साइड में तीन बैक पोस्ट एज इट इज, अब यहां पर ये जो बंच है यहां पर फ्रंट पोस्ट, चेन वन स्पेस में आप करिए डबल क्रोशे, चेन वन डबल क्रोशे सेम स्पेस में फ्रंट पोस्ट, सिंगल बैक पोस्ट है इसको हम दो बैक पोस्ट बनाएंगे, यहीं पर एक और बैक पोस्ट, सेंटर वाला फ्रंट पोस्ट रहेगा एज इट इज फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। अब ये जो बैक पोस्ट है यहाँ पे दो बैक पोस्ट रिपीट हो रहा है सारा, राइट साइड का लेफ्ट में फ्रंट दो हुआ, नहीं बैक पोस्ट मैंने बोला और बनाया नहीं, ये है फ्रंट पोस्ट, चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे, चेन वन डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट, तीन बैक पोस्ट एज इट इज, अब ये लीफ होगी हमारी, दो डिक्रीज बनेगा और ये लीफ डिसेंड हो जाएगी। ये देखिए अब इसके बाद पूरा पैटर्न एज इट इज इस रो में आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो डिक्रीज, तीन बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे चेन वन, डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट, दो बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट, दो डबल बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशे चेन वन डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट, तीन बैक पोस्ट एंड डिक्रीज। लेट्स फिनिश दिस रो एंड मीट एट द बिगनिंग। ओके, तो ये फिनिश हो गया है। यहाँ पे मैं करूँगी स्लिप स्टिच, चेन थ्री, और अब बैक पोस्ट जो पहले वाला है ना, ये नीचे वाली जो चेन थ्री और एक बैक पोस्ट, दोनों को एक साथ आप दबा दीजिए तो वो अलग से ऊपर निकलेगा नहीं,
देखिए फिर से करती हूँ मैं ये और अब ये पूरे आपको बैक पोस्ट करने हैं, फिर मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। अब यहाँ पर हम करेंगे एक ही डिक्रीज और ये लीफ हमारी क्लोज हो जाएगी। ये रहा डिक्रीज, यहाँ पे हमें करना है एक बैक पोस्ट में एक बैक पोस्ट। अब नेक्स्ट वाले में, अच्छा तीन है ना, हाँ ओके, तो ये तीन हमें मेंटेन रखने हैं बैक पोस्ट ऊपर तक, ये तीन बैक पोस्ट ही चलेंगे। अब देखिए सिंपल है, फ्रंट पोस्ट ये हम पहले भी लीफ में रिपीट कर चुके हैं, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे चेन वन डबल क्रोशे, उसके बाद सॉरी ये हो गया फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। अब दो है ना बैक पोस्ट, इनको तीन करना है हमें, तो पहले वाले में आप एक सिंगल बैक पोस्ट करिए, उसके बाद इन दोनों इसमें आप दो बैक पोस्ट करिए, इसी में सेम में दो बैक पोस्ट। सेंटर स्टेम सिंगल चलेगी फ्रंट पोस्ट में, यहाँ दो बैक पोस्ट, ये हो गया एक बैक पोस्ट, ये हो गया दूसरा बैक पोस्ट। अब इसमें होगा एक और बैक पोस्ट, ये होगा फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बट आई कांट हेल्प इट। डबल क्रोशे चेन वन डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। और ये पूरा का पूरा रिपीट। आई मीट यू एट द स्टार्ट। ये मैंने यहाँ पे चेन थ्री बना ली और ये बैक पोस्ट सारे रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बनेगा सिंगल, ठीक है। उसके बाद ये आपके तीन बैक पोस्ट हैं, इनको तीन बैक पोस्ट को एज इट इज रख लीजिए। ये हो गया तीन बैक पोस्ट, ओके। ये तीन बैक पोस्ट, अब ये जो फ्रंट पोस्ट है इनको फ्रंट पोस्ट ही रखेंगे, जैसे हमने पहले भी दो लीव्स बनाई हैं बिल्कुल उसी पैटर्न में। ये हो गए तीन फ्रंट पोस्ट। अब ये चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे, चेन वन डबल क्रोशे, और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट हो गया, ये आपका फ्रंट पोस्ट हो गया। काइंडली इग्नोर बैकग्राउंड साउंड, फिलहाल आई डोंट थिंक इट्स अंडर माई कंट्रोल। फिर ये तीन बैक पोस्ट में आप बैक पोस्ट बनाइए, और अगर मेरा फोन बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं कैच पर कर पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और अगर कर पा रहा है देन आई रिक्वेस्ट यू टू इग्नोर। ओके, ये फ्रंट पोस्ट सिंगल स्टेम का है एज इट इज, तीन बैक पोस्ट एज इट इज, ये रहे तीन बैक पोस्ट। कहाँ गया, ओके हियर इट इज, वाओ। अब ये सारे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, वाओ फ्रंट पोस्ट। चेन वन स्पेस में डबल क्रोशे, चेन वन डबल क्रोशे, तीन फ्रंट पोस्ट, वेरी गुड, वाओ। इतना एलोंगेटेड है ये। और इसके बाद आपके आने वाले हैं तीन बैक पोस्ट, सो हो जाए तीन बैक पोस्ट।
पोस्ट, बैक पोस्ट और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट। वाओ, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लीव भी यहाँ हमने फिनिश कर ली है। ये देखिए, ये लीव फिनिश हो गई है, अब ये लीव फिनिश हो गई है एंड ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से ये जाएगी और फिर बाद में हम ये सिंगल लीफ निकालेंगे। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट फोर ऑफ डे फोर। वाओ, ये बहुत हैवी जॉब था। आउट ऑफ ऑल द अभी तक जितने भी हमने चार वीडियोस बनाया, इसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा हैवी था, बट आई गेस वी गॉट द रिजल्ट। सो सी यू इन पार्ट फाइव, डे फाइव।